हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ एक नेक का डिज़ाइन शेयर करने जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन है। मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने ये पिक भेजी है, तो उनके लिए हम ये डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। चलिए फिर डिज़ाइन अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो बुकरम की चौड़ाई ली है वो एक साइड से 5 इंच है, टोटल में ये 10 इंच है। 10 इंच को हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले गले की चौड़ाई लगाते हैं। गले की चौड़ाई हमने लगानी है 2.5 इंच या फिर 3 इंच। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो आप 3 लगा लें, अगर नॉर्मल पर्सन है, थोड़ा पतले लोग हैं तो वहाँ पे 2.5 लगा लें। बच्चों के लिए यहाँ पे गला 2.5 इंच लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे अब हम गले की डीपनेस लगाते हैं। यहाँ पे 7.5 इंच गले की डीपनेस लगेगी। इस तरह हम गले की डीपनेस का ये निशान लगा लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई फिर इधर भी लगाते हैं, तो यहाँ पे 2.5। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देते हैं, ठीक है। अब हमने गले की यहाँ पे शेप लगानी है। शेप हम थोड़ी सी वी सर्कल में करते हैं, हाफ वी सर्कल होता है जो, इस तरह, ठीक है। अब लीजिए, इस तरह हमने ये निशान ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे पलटी करेंगे और दूसरी साइड को इसे पलट कर सीधे, मतलब इस तरह पलटी करके दूसरी साइड को टैप करेंगे। इस साइड को हम इसे इस तरह थोड़ा सा दबा कर इस तरह टैप कर देते हैं और इसे फिर दोबारा से सीधा करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस तरह। ये लीजिए, ये हमारा निशान आ गया है गले का। ये इस तरह की यहाँ पे पट्टी चलेगी, एक जो कटिंग की होगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाला यहाँ पे निशान आया है हमारा, पहले ये बॉक्स आपने ज़रूर बना लेना है क्योंकि बॉक्स के हिसाब से ही गला अब कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से अब 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये जो निशान आएगा, ये वाला निशान हमने इस तरह नीचे तक लेके जाना है, ठीक है। नीचे तक ले जाएंगे और ये निशान हमारा इस तरह ड्रॉ होगा। अब हमारा ये लीजिए, इस तरह की पट्टी इस तरह इधर चला देंगे, इस तरह की पट्टी इधर चला देंगे और ये वाली पट्टी हमारी इस तरह नेक के साथ साथ चलेगी, ठीक है। अब हमने ये गला इस तरह ड्रॉ कर लिया है। गला हमारा ये बीच वाला बनेगा, ये पट्टी इस तरह चलेगी। इस पट्टी को आप, ये वाली को थोड़ा सा हल्का कम कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग पहले हम बाहर की कर लेते हैं, बाहर की कटिंग पूरी कर इस तरह, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब लीजिए, ये देखिए बाहर की कटिंग हो गई है, इसे हटा देते हैं। अब हम अंदर से कट कर लेंगे गले को इस तरह। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कट करना है। इसके बाद फिर इधर से कट करेंगे। लीजिए इस तरह। अब हम इस तरह, अब ये जो सेंटर वाला निशान है यहाँ पे हमारा कट आएगा और इधर से थोड़ी एक्स्ट्रा बुकरम है जो भी, वो हमने इस तरह निकाल देनी है, थोड़ी थोड़ी जो भी एक्स्ट्रा है। लीजिए, अब ये हमारे गले की इस तरह कटिंग हो गई है। अब हमने इसे पहले कपड़े के ऊपर अटैच करना है, उसके बाद फिर शर्ट के ऊपर अटैच करना है। पहले हम इसे कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने कपड़े के ऊपर रख लिया है। यहाँ पे जो बीच का गैप है वो 6-5.5 इंच बनता है। अगर हम 2.5-3 इंच लगाते हैं तो 5.5 का निशान ये है हमारे पास। यहाँ पे 5.5 पे रख के पहले सीधी सिलाई लगा लेते हैं। और अब हमने इसे पहले सेट कर लेना है कपड़े के ऊपर रखकर, और यहाँ पे आप एक पिन लगा सकते हैं। इस तरह रख लें पहले सीधा बिल्कुल, और ये हिले ना, इसके लिए आपने यहाँ पे एक, यहाँ पे पिन लगा लो आप, ठीक है। एक आप इधर लगा लो, इसकी वजह से ये हिलेगा नहीं और इजीली ये गला सेट हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप सिलाई लगाओगे तो ये टेढ़ा भी हो सकता है। ये लीजिए, इस तरह हमने अब इसके पूरे में सिलाई लगानी है और लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह कपड़े के ऊपर जोड़ने के बाद 1/2 इंच का गैप छोड़ने के बाद इस तरह सारे गले की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह सारे गले की कटिंग हमने इस तरह कर लेनी है। और यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं इस पे कट लगा लेंगे। यहाँ पे एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है ऊपर की तरफ पूरे गले को। देखिए, इस तरह कपड़े के ऊपर मैंने जोड़ लिया है, इसकी फोल्डिंग कर ली है। यहाँ पे सेंटर का निशान हमने बना लिया है। अब शर्ट लेते हैं, शर्ट का फ्रंट पीस लेंगे, उसके ऊपर इस गले को अटैच करेंगे। लीजिए, ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट पीस है और इसे हमने इस तरह रखना है
सेंटर से सेंटर मिलाना है बिल्कुल। इसमें ऊपर की सिलाई लगा लेते हैं एक। अब ठीक है, अभी हमने सबसे पहले ये जो सेंटर का निशान है इसे पहले इस तरह मिलाकर एक पिन लगा लेते हैं इधर। ये पिन लगाने से गला बिल्कुल सीधा रहेगा, सेटिंग रहेगी गले की, गला टेढ़ा नहीं होगा आपका बिल्कुल भी। ये लीजिए, इस तरह हमने गले की इस तरह सेटिंग कर ली है। अब हमने इस पट्टी को भी देखना है, ठीक है, ये ध्यान आपने जरूर रखना है, इस पट्टी को भी देखना है, इसे बिल्कुल आपने सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद अब इसके ऊपर भी हम एक दो पिन जरूर लगा लेंगे। ये लीजिए, ये पिन हमने लगा लिए हैं, गला बिल्कुल सीधा सेट हो गया है। अब सबसे पहले हम इस तरफ से सिलना शुरू करते हैं, ठीक है, सेंटर का निशान मिला हुआ है, ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। पहले हम ऐसा करते हैं कि इस गले को बना लेते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं, नीचे का मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, अब ये हमारी सेटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, गला हमारा बीच वाला ऑलमोस्ट हमने सिलाई लगा ली है। अब जो ये वाली सिलाई है हमारी, यहां से अब हम सिलकर जाएंगे नीचे की तरफ। ये पिन निकाल दी है मैंने यहां से, अब हम सिल के नीचे की तरफ जाते हैं। अब देखिए, बुकरम के ऊपर सिलना है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर हमने छोड़ना है, बीच का हिस्सा वहां पे हमारी ये सिलाई आ जाएगी। ये लीजिए, यहाँ पे आ गए हैं हम। अब यहाँ पे नीचे की तरफ चलेंगे, सेंटर के निशान पे कटिंग होगी और उसके बिल्कुल साथ वाले निशान पे हमने इसको सिलना है। ये पिन भी अब हम निकाल देंगे इधर से। पट्टी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने मेक श्योर कर लेना है पहले। अगर लाइनिंग वगैरह लगी है तो उसे आप पहले सेट कर लें, अदरवाइज लाइनिंग अंदर इकट्ठी हो जाएगी। नीचे से 1 इंच के करीब हम पट्टी को छोड़ देते हैं, वो हमने छोड़नी है। अब एक पैर हम इधर की तरफ चलते हैं मशीन की तरफ, अब हम फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। ओके, अब हम कटिंग के लिए छोड़कर, कटिंग का हिस्सा छोड़कर जो मतलब जहाँ पे हमारी कटिंग होनी है, बाकी की में हम सिलाई लगाएंगे। गैप हमने छोड़ना है, बिल्कुल सिलाई के सिलाई साथ ना मिलाएं, नहीं तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो पाएगी। ये अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे फिर दोबारा। ये लीजिए, ये अब हमारी गले की सिलाई लग चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इस वाले गले को कट कर देना है अंदर से। बहुत इजी नेकलाइन है ये, देखने में टफ लगता है लेकिन बनाते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जिस अगर इसी गाइडलाइन से आप चलते रहोगे। अब ये देखिए, बीच का जो आपने गैप छोड़ा था, अब उस गैप को आपने कट करना है, ठीक है। सिलाई बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये लीजिए, अब हमने नीचे की तरफ काटते हुए जाना है इसे। बस सिलाइयों का ध्यान रखें, सिलाई कोई भी ना कटे आपकी। अगर सिलाई जहां से कट गई फिर वो खुल जाएगा, आपको दोबारा सिलाई वहां पे लगानी पड़ेगी। अभी मुझे एक कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाते हैं तो बोलते बहुत हैं। अरे भाई, अगर वीडियो बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, मुंह बंद करके बैठ जाएंगे और इसी तरह अपना काम करते रहेंगे तो आपको क्या समझ आएगा? जो ट्रिक्स हैं वो तो आपको बीच में पता ही नहीं चलेंगे। तो भाई बोलना पड़ता है जब वीडियो बनाते हैं, सॉरी फॉर दैट। अब हम इससे पलटी करेंगे गले को, सारे कॉर्नर्स हमने इस तरह अच्छी तरह निकाल देने हैं। ये जो कॉर्नर है इसे भी आपने बिल्कुल स्मूथली किसी शार्प एज के चीज़ के साथ निकाल देना है, जैसे कि ये सीजर है मेरे पास, सीजर की हेल्प से हम इसे निकाल देंगे, ठीक है, ये इजीली निकल जाएगा। और ध्यान रखिए कटे ना कपड़ा बिल्कुल भी।
लीजिए ये निकल गया है। अब पूरे गले को हम इस तरह पलटी कर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। पलटी करने के बाद ऐसा करें, एक बार आप ऐसा करें कि इसे प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा और फिर इसकी फिनिशिंग आप देखिए बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, आप इसे एक बार इस तरह सेट कर लें पहले। अब लीजिए इस तरह हमने इसे पलटी कर लिया है। अब ऊपर एक रफ सिलाई हम इस तरह लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब यहाँ पे आपने इस कपड़े को बिल्कुल अच्छी तरह सेट करके सिलाई लगानी है। पूरे में इसी तरह सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब लीजिए गले को मैंने इस तरह सिल लिया है। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग करेंगे और डिज़ाइन को बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई पाइपिंग लेस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये किनारी वाली लेस है, इसे हमने अब इसके ऊपर लगाना है। यहाँ से अब हम इसे लगाना शुरू करेंगे, बिल्कुल किनारा किनारा दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है। अगर आप पाइपिंग पसंद करते हो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो इसकी जगह पर। मेरे पास जो मैचिंग पैटर्न है मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। इसके साथ मेरी मजेंटा कलर की चुन्नी है, यानी कि दुपट्टा है। इस साइड हमने पूरे में, पूरे गले में इस साइड लगा देनी है लेस, ये वाली। इस तरह और नीचे तक, ये जो एंड पॉइंट है हमारा नीचे वाला, वहां तक लेके चलते हैं सिलाई को। अब लेस को यहाँ पे कट कर देना है। ये जो एंड पॉइंट है हमारा, इससे आधा इंच नीचे ही कट करेंगे ताकि लेस हमारी खुले ना बिल्कुल भी। कोई भी आप लेस या पाइपिंग लगाते हो तो उसे एक्स्ट्रा ही रखें, कभी भी पूरा पूरा ना कट करें। लीजिए ये यहाँ पे लग चुकी है हमारी एक साइड पे। ठीक है, इस साइड, दूसरी वाली साइड हमने आधे गले गले में लगानी है, वहां पे हमारा ये गला बंद होगा और लूप्स लगेंगे। अब हमने इस साइड, ये वाला हिस्सा है जो सिर्फ यहाँ तक हमने लेस को लगाना है, और जब हम लगाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ाकर ही लगाएंगे नीचे से इस तरह, नहीं तो ये इधर से निकल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से चलते हैं और टर्न कर लेंगे लेस को। लेस हमेशा सॉफ्ट वाली लें आप, हार्ड वाली ना लें, जो घूम जाए वही लेनी चाहिए। ये लीजिए, ये भी लेस हमारी इधर लग चुकी है। अब इस साइड भी हमारी लेस लग चुकी है और इस साइड भी लेस लग चुकी है। अब हमने ये बीच वाला सेंटर बंद करना है। अब ये हमने यहाँ पे लूप्स लगानी है। लूप्स हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद एक इस तरह थोड़ा थोड़ा दूरी पे लूप लगाते हैं ताकि जो बटन है वो लगे हुए भी दिखें। अब मैंने ये वाली डोरियाँ बनाई हुई हैं, तो डोरी बनाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये बारीक वाली डोरी है, इसी तरीके से मैंने बनाकर बताई हुई है, वहाँ से आप इसे चेक कर लीजिए। ठीक है, ये तकरीबन मैंने 2 इंच की डोरी एक कट की है। अब हम ये जो निशान है हमारा यहाँ पे गले का, इसे पहले आपने बना लेना है। सेंटर का निशान है जो, वो जरूर लगा लेना है। पहले इसे कॉर्नर से कॉर्नर में ला लेते हैं। इस तरह हमारा ये सेंटर का निशान ये है। ठीक है, अब हमने सेंटर के निशान से तकरीबन 1 इंच नीचे पहला लूप लगाना है। सेंटर के निशान से सिलाई को शुरू कर लेते हैं। लूप इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर बटन आराम से आ जाए, जो आपने लगाना है, जो उसका साइज है बटन का। ले लीजिए एक लूप इधर लग गया है, 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ के दूसरा लूप लगाएंगे
लूप के ऊपर मैं थोड़ी सी सिलाई डबल कर रही हूँ ताकि वो निकले ना बिल्कुल भी। 1 इंच का गैप छोड़ के फिर हम तीसरा लूप लगाएंगे और इधर फिर दोबारा से चौथा लूप। ठीक है, ये 4 लूप ऊपर वाले हिस्से में लग गए हैं, अब नीचे वाले में और भी लगेंगे। कॉर्नर पे आ गए हैं, कॉर्नर को टर्न करेंगे और इधर से बिल्कुल कॉर्नर के साथ, ये देखिए कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर पे ही लगा दें आप एक लूप तो यहाँ पे ग्रेस और भी अच्छी आ जाएगी। अब 1-1 इंच का गैप छोड़ के पूरे गले में हमने इस तरह लूप्स अटैच करने हैं। मार्जिन 1 इंच का आपके आइडिया में नहीं है तो आप इसे नाप कर जरूर लगा लें पहले। ठीक है, ये पूरे में लगाकर आपको दिखाती हूँ। अब लीजिए इस तरह सारे गले में लूप लग चुके हैं। यहाँ पे एक प्लेन बटन आप यहाँ पे लगा सकते हैं एंड पॉइंट पे, अदरवाइज इस तरह आपने इसको बंद करना है। तो सबसे पहले हम गले को बंद करने के लिए एक पट्टी लेते हैं। पट्टी की चौड़ाई तकरीबन मैंने 3 इंच के करीब ली है और इसी काफ़ी लंबी लेनी है अभी पट्टी आपने, बाद में हम इसे कट कर देंगे जो भी बचेगी। इसे फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करने के बाद इसे एक बार यहाँ से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब हम गले को इस तरह इसके ऊपर रख कर ये वाले हिस्से को थोड़ा सा रख के यहाँ पे बंद करेंगे, सिलाई लगाएंगे मतलब पहले। पट्टी को इस तरह आपने नाप लेना है, उसे थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर लेना है। ठीक है, और ये डबल है पट्टी, इसे आप इस तरह सेट करके रखें पहले। यहाँ पे अब हम आ गए हैं सिलते हुए, अब इधर को टर्न कर लेंगे इसे। इसे हमने इसके ऊपर नीचे वाली पट्टी सेट करनी है पहले, इसके ऊपर इस तरह रखना है और पहले कॉर्नर में ला लेना है। ये देखिए बिल्कुल मिल रहा है। अब थोड़ा सा इधर आएंगे, ठीक है, अब बिल्कुल सिलाई के साथ साथ जो नीचे वाली सिलाई लगी है उसके बिल्कुल साथ साथ, ऊपर नहीं चढ़ाना आपने, अगर ऊपर चढ़ाओगे तो यहाँ पे झोल आ सकता है गले में, एक्स्ट्रा धागे बाद में कट कर देंगे। ये जो है यहाँ देखिए, ये यहाँ पे झोल आएगा, इसको आपने इस तरह पहले फोल्ड कर लेना है, इसके ऊपर इस तरह ओवरलैप करना, ये लीजिए। ठीक है, अब आ गए हैं हम फिनिशिंग लाइन पे। अब इसे हम थोड़ा सा इसके ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि ये जो प्लेन वाला हिस्सा है ये दिखे ना, इसे हम इस तरह ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे सिलाई थोड़ी सी डबल कर देंगे। लीजिए, नेक हमारा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा है। अभी हम इसके ऊपर यहाँ पे पहले बटन्स लगाएंगे। ठीक है, बटन्स हमने यहाँ पे मोल्डेड स्टोन वाले जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे वो बटन्स यहाँ पे लग जाएंगे और उसके बाद गला हमारा बिल्कुल तैयार है। तो मैं बटन लगाकर फिनिशिंग देके सूट को फिर आपको दिखाती हूँ। अब लीजिए, हमारा सूट बनकर तैयार है। मैंने लूप्स के अंदर बटन लगा दिए हैं और देख सकते हैं आप इसकी ग्रेस कितनी आई है। शर्ट को पहन के देखा है, बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग और इसकी लुक बहुत ही प्यारी आई है। मैंने साइड के स्लिट में इसकी पाइपिंग दे दी थी इसके साथ की, जो लेस थी बारीक वाली। तो सूट बनकर अब बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है, आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ एक बार। जी, इस तरह दिखाती हूँ घुमा के। तो अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।